चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। एन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 10^-3 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द ओरिजिन 0,0 ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर सिचुएटेड एट √2, √2 एंड 2,0 रिस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विल बी। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x पॉजिटिव x डायरेक्शन और ये नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है, और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है और ये नेगेटिव y डायरेक्शन है। ये ओरिजिन है। अच्छा, ये जो चार्ज रखा है वो कहाँ रखा है? ओरिजिन पे रखा है। यहाँ पर एक चार्ज रखा है, चार्ज की वैल्यू q इज इक्वल टू 10^-3 माइक्रो कूलम। अब दो पॉइंट कह रहा है ए और बी, ये ए है और ये बी है। ए पॉइंट √2, √2 ये मान लो और ये √2 मान लो, ठीक है, √2, √2 ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है √2, √2 तो ये भी √2 हो गया ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी √2 हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई ओ ए, क्या होना चाहिए, ये √2 ये भी होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस निकाल लो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है निकालना है तो बेस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस √2 परपेंडिकुलर √2 का स्क्वायर आएगा 2+2 यानी 4 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गई 2, ए पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से है 2 और दूसरा पॉइंट बी है वो कहीं यहाँ पर है बी, ये 2,0 है, 2,0 तो ए पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से और बी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है कि नहीं है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू दोनों की सेम है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, के इंटू 10^-3 माइक्रोकूलम, सॉरी इसको माइक्रो वहाँ भी लिखते नहीं है, 10^-3 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के इंटू 10^-3 अपॉन 2, दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। तो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए की वैल्यू जितनी है उतनी वी बी की वैल्यू है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो ही तो आएगा, आंसर सी पॉइंट, ठीक है, सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।